अच्छा सुनाई दे रहा है पर समझ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है यहाँ इको ठीक नहीं है, ये स्पीकर पीछे भी है कि सारे स्पीकर आगे हैं? अब आपको समझ आ रहा है? हाँ ठीक है ठीक है। तो प्रभुपाद जी शुद्ध संदेश दे रहे थे लोगों को, सब आगे में ठीक है भी? तो इन स्वामियों ने प्रभुपाद जी को एक दिन बुलाकर कहा, स्वामी जी आप तो नए आए हो भारत से, हम तो पुराने प्रचारक हैं, आप भी हमारे जैसे पतलून कमी पहनो और छुरी काटने से खाओ और ये जो संदेश दे रहे हो बंदो। और प्रभुपाद जी आए थे भगवान के सत्य संदेश का प्रचार करने के, और प्रभुपाद जी पहले एक साल के लिए लगभग कोई रहने का ठिकाना नहीं था, नहीं और एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे, पर उनके मन में एक ही भाव था, मेरे गुरु का आदेश है कि जितने महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के संदेश का प्रचार करो, इसको मैंने स्थापित करना है। मैं न्यूयॉर्क में एक टॉमकिंस स्क्वायर पार्क है, वहाँ प्रभुपाद जी एक ढोलकी ले गए थे भारत से, एक पेड़ के नीचे बैठकर ढोलकी बजाकर हरे कृष्णा का कीर्तन करने लगे, हंसते हंसते भक्त आने लगे, और थोड़े समय में ही न्यूयॉर्क टाइम्स और कई प्रसिद्ध अखबारों ने छापा, स्वामी जी आए हैं हरे कृष्ण मंदिर को लेकर। और फिर थोड़े समय बाद न्यूयॉर्क में पहला कीर्तन खुला था, और आज पूरे विश्व में 500 से अधिक केंद्र हैं, 100 से अधिक केंद्र हैं भारत में। आपने शायद बॉम्बे का मंदिर देखा है हरे कृष्णा, आप ऐसे कितने मंदिर हैं हरे कृष्णा लैंड जो ने दर्शन किया है, वृंदावन में दिल्ली में, तो 100 से अधिक केंद्र हैं भारत में, 80 मंदिर हैं लगभग अमेरिका में, कोई 40-50 मंदिर हैं यूरोप में, साउथ अमेरिका में 30-40 मंदिर हैं, और रशिया और कॉमनवेल्थ में जो रशियन देश थे वहाँ 150 से ज़्यादा मंदिर हैं, सिर्फ मॉस्को में 4 मंदिर हैं और कोई 10,000 भक्त हैं, 10,000 भक्त क्योंकि सारे सब के सब रूस और जो 16 माह के जा रहे हैं, और चाइना और हर कोने में ख्याल रहे सब। आज से 500 साल पहले प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु, यदा यदा ही धर्म से ज्ञाने बहुत भारत अभ्युधर्म धर्म से तदा मनुष्य जामया। भगवान कहते हैं गीता में कि अलग अलग समय में अवतारित होता हूँ, किस लिए? पाणी त्रया साधना।